भी हाथ लगा लो ना सब एक साथ इसमें। ठीक है, इधर देखो, हाँ बताइए, आज आप दरगाह शरीफ में आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी रन करने के बाद ही बहुत समय बाद आप कह सकते हैं तकरीबन एक साल बाद मैं अजमेर आई हूँ अपने होम टाउन, और आज दरगाह में चादर चढ़ाई और लोगों ने जिस तहे दिल से रिस्पेक्ट दिया और स्वागत सम्मान किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों की। आज किन की तरफ से आपका सम्मान किया गया था? आज जो दरगाह अंजुमन कमेटी की तरफ से स्वागत किया गया और मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। इमरान भाई जो हैं अजमेर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सब आंटी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, इस तरफ से चादर चढ़वाई गई। तो आज पिंक सोसाइटी और गरीब नवाज सोसाइटी की तरफ से जो स्वागत किया गया उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी और कितने दिनों की थी? मेरी यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी, लगभग 4000 किलोमीटर मैंने 87 डेज रन करके कंप्लीट किए, और इस यात्रा का उद्देश्य था भाईचारा, अमन, शांति, लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हमारी डाउन हो चुकी हैं उसी को मुझे ऊपर करने के लिए मैंने ये लक्ष्य लिया और ये मिशन लिया और वो सक्सेसफुल रहा, तो बहुत खुशी हुई यहाँ जाके। हम महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, यूथ के लिए? हम आप जो भी सोचें वो हर चीज़ संभव है और कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, किसी चीज़ आत्मविश्वास ज़रूरी है अगर हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये एक रनिंग की बात नहीं है, अगर आप कोई भी मकसद लेके चल रहे हैं लाइफ में अगर कॉन्फिडेंटली उसको कर सके और विश्वास के साथ कर सके तो वो ज़रूर सफल होगा। नाम बताइए।